ग्राहक के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह कई योजन ऊंचा और लंबा था। उसके सोने चांदी के तीन शिखरों की छटा से दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान रहता था। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उनके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबाने के लिए जोर जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा बिखर रही थी। मतवाले भंवरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंस जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ डर कर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश जैसे जीव हर जगह निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी गजेंद्र को घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। अति तीव्र धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा कर जी भर कर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके सिर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने, मगरमच्छ ने, क्रोध में भर कर उसका पैर पकड़ लिया।
इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया। अंत में जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के साथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठाक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, अब मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका ध्यान करता हूं। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें।
जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। ना उनके जन्म कर्म हैं और ना नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप ही हैं, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाशमय परमात्मा से बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रभाव रूप हैं बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवन न देवता हैं और न असुर,
वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रख कर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाला उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। योगी लोग योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। प्रभो, आपकी तीन शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वो अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, सद्गुरु, भगवन, आपको नमस्कार है। जब भगवन ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया।